दोस्तों इस बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भूत प्रेत आत्माओं ऐसे शब्द सुनकर आपको कैसा महसूस होता है? शायद आपको कोई भूतिया कहानी या फिर ऐसे रहस्य जिसमें भूतों या आत्माओं का जिक्र मिलता हो। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी बेहतर होगी। मानिए आप किसी वजह से रोमानिया के नजदीकी नापोका शहर में चले गए हैं, लेकिन आपको अभी भी पता नहीं है कि इस शहर में आपके साथ किस तरह का टेरर होगा। आप नए लोगों से मिलते हैं और वो आपको रहस्यमय होया बच्चों जंगल की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये देश की सबसे डरावनी जगह है और स्थानीय लोग इसे ट्रांसिल्वेनिया का बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। उनसे मिलने के बाद आप इस जगह से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। आप जंगल के किनारे ड्राइव करते हैं। आप घने जंगल में जाते हैं और कुछ गाना सुनते हैं। कहीं दूर पक्षियों की चुहचुहाट, झुंगुर की चहचहाट, शाखाएं चटक रही है और कुछ जानवर कुछ पेड़ अशुभ लग रहे हैं। उनकी शाखाएं कई टेढ़ी भुजाओं की तरह लग रही है। ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है। आप कुछ और कदम उठाते हैं और खुद को एक छोटे से क्लियरिंग में पाते हैं। ये घास के साथ एक आदर्श चक्र है, लेकिन यहाँ कोई पेड़ नहीं है। किसी कारण से आप ऊपर से एक कराह सुनते हैं। आप ऊपर देखते हैं और पेड़ों के भीतर एक उज्जवल प्रकाश देखते हैं। ये तेज और उज्जवल हो जाता है और आप अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं। आप जंगल से गुजर रहे हैं। यहाँ पहले से ही अंधेरा है। आप ठंडे हैं, लेकिन सौभाग्य से आप आगे की सड़क देख सकते हैं और आपकी कार को भी। अब आप घर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं और दीवार पर लगी घड़ी को देखते हैं। ये अजीब है कि रात के 10 बज रहे हैं। अब आप जंगल में चले गए। शाम को 5 बजे जंगल में थोड़ा टहल लिया, जहाँ कुछ घंटे गए। फिर आप कुछ अजीब नोटिस करते हैं। आपके बाएं हाथ पर अजीब तरह के लाल धब्बे होते हैं। ये जलन या कुछ दाने हैं। आप आईने के पास जाते हैं और देखते हैं कि आपके पैरों बाहों और गर्दन पर अभी भी अजीब से दाने हैं। आप इसके बारे में अपने नए दोस्तों को बताते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। वो कहते हैं कि ये जंगल अधिकांश लेजेंड समय यात्रा से जुड़ी हुई है और कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने जंगल में कई घंटे कैसे बिताए और उन्होंने वहाँ क्या किया। अन्य लोग वहाँ अपने हाथों पर एक अजीब दाने के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि खोए हुए लोगों के भूत वहाँ भटकते हैं और कुछ उड़ने वाली वस्तुएं अक्सर इस स्थान पर आती है। किसी ने कहा कि उन्होंने जंगल में एक अशुभ कानापुसी सुनी थी और शरीर के बिना उड़ते हुए सिर देखे थे। सबसे प्रसिद्ध लेजेंड 5 साल की एक लड़की के गायब होने के बारे में कहती है। जंगल में बचाव कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कई हफ्तों तक जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर कुछ साल बाद लड़की जंगल से जीवित और अच्छी तरह से निकली, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसकी उम्र नहीं बढ़ी थी। वो बिल्कुल वही 5 साल की बच्ची बनी रही। उसके बाद लोगों को लगने लगा कि जंगल में एक टाइम पोर्टल है। अगर कोई वहाँ जाता है तो वो खुद को भविष्य में पाएंगे। ये कई घंटे या कई साल हो सकता है। एक और मिथ है एक बायोलॉजिस्ट के बारे में, जिसने जंगल में स्थानीय जीवों की तस्वीरें ली। वो फूलों और पेड़ों की तस्वीरें ले रहा था और आकाश में उड़ने वाली एक अजीब वस्तु को कैमरे में कैद किया। उसके बाद लोगों को यकीन हो गया कि ये 15वीं शताब्दी में अलौकिक सभ्यताओं ने जंगल द्वारा किया था। वहाँ एक महिला भी गायब हो गई थी, लेकिन 500 साल बाद वो जंगल से बिल्कुल स्वस्थ निकले। ये संभव नहीं है कि वो वही महिला थी, लेकिन 1600 के दशक का एक सिक्का उसकी जेब में मिला था। ये सभी कहानियाँ और साथ ही प्रेत के बारे में रिपोर्ट अफवाह है और मिथ है। कोई भी अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है कि जंगल वास्तव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र है। लेकिन अगर आप इस जगह की यात्रा करने का निर्णय लेते हैं, तो जंगल के पास रहने वाले स्थानीय किसानों से कुछ कहानियाँ साझा करने के लिए कहे। शायद वो आपको कुछ और डरावना और सच्चा बताएंगे। लेकिन यह जंगल वास्तव में डरावना है। आप चिंतित और अकथनीय महसूस कर सकते हैं। इसके बारे में इंटरनेट पर कई वीडियोस हैं, जहां पर्यटकों और यात्रियों ने इस जंगल द्वारा किया और अप्रिय उत्तेजना और अजीब आवाजों के बारे में बात की। आप किसी भी समय जंगल में कुछ अजीब देख सकते हैं अपनी आंखों से। ये एक गोल समाशोधन है, जहाँ किसी कारण से पेड़ नहीं उगते हैं, सिर्फ घास और पौधे उगते हैं। यहाँ की मिट्टी बाकी वनों की तरह ही है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करने के लिए जमीन का विश्लेषण किया। ये अभी भी अज्ञात है कि वहाँ पेड़ क्यों नहीं है। कुछ जंगल में पेड़ों का एक अजीब घुमावदार आकार है। ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें इस तरह से बढ़ने के लिए क्या हुआ, लेकिन वो डरावने दिखते हैं। आप जंगल में टहल सकते हैं और जांच सकते हैं कि इसके बारे में लेजेंड्स कितनी सच है। लेकिन डरो मत, आप अकेले नहीं होंगे। होया बच्चू वन हर साल रोमानिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। रहस्यमय पहेलियों के हजारों प्रशंसक अपने नसों का परीक्षण करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन भले ही आपको जंगल में कुछ भी रहस्यमय न मिले, आप निश्चित रूप से शहर का आनंद लेंगे। ये एक सुंदर शहर है, आरामदायक यूरोपीय वास्तुकला के साथ। लेकिन इमारत के अंदर जाकर आप आधुनिक स्टाइलिश बार और कैफे देखेंगे। ये स्थान के कई आईटी विशेषज्ञों को भी आकर्षित करता है। लेकिन ये सब मजेदार खिलौनों की तरह प्रतीत होगा, जिसकी तुलना में हंटिंगटन न्यूयॉर्क में काउंटी पार्क में एक व्यक्ति को जंगल में टहलते हुए पाया गया था और वो एक छोटे से समाशोधन में आया।
बनाया था। वहाँ कई पेड़ों ने उन लोगों की छविया के साथ तस्वीरें अटैच की थी जो सिर्फ एक व्यक्ति को याद कर रहे थे। उसके नाम के साथ चेहरा, गायब होने की तारीख और जगह। उस आदमी ने इस जगह को वीडियो पर रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। वीडियो रेडिट पर लोकप्रिय हो गया। इसके यूजर्स ने पाया कि ये सभी लोग तस्वीर से अलग राज्यों में लापता हो गए। उनमें से कोई भी जीवित नहीं मिला। एक भयानक यात्रा के बाद लड़के ने पुलिस को बुलाया। जल्दी उन्हें पता चला कि एक स्थानीय ने पुलिस के अनुरोध पर हेलोवीन पार्टी के दौरान इन तस्वीरों को पेड़ों पर लटका दिया था। उसने सभी तस्वीरों को हटा दी। मामला बंद था। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में खो गए हैं, कई घंटों से जंगल में टहल रहे हैं। आप अपने दुपट्टे को एक पेड़ की शाखा से बांधते हैं और नैरो पैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं। एक घंटे बाद आप उसी पेड़ के पास आते हैं। आप चलते समय बाएं या दाएं नहीं मुड़े, लेकिन फिर भी आप घेरे में क्यों चल रहे हैं? इसका उत्तर जंगल के आसपास है। यह कुछ भी रहस्यमय नहीं है, लेकिन यह अभी भी कई पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। जापान के दक्षिण में जंगल बढ़ता है। अगर आप इसे एक पक्षी की दृष्टि से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि पेड़ एक चक्र में बढ़ते हैं। इस चक्र के केंद्र के करीब कई परतें बनाते हुए पेड़ों को एक दूसरे के करीब रखा जाता है। ये दुनिया भर के क्षेत्रों में रहस्यमय गोलाकार पर्यटन जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ कुछ भी शानदार नहीं है। किसी अन्य ग्रह से कोई अंतरिक्ष यान नहीं है और कोई प्राकृतिक विसंगति नहीं है। लेकिन 1973 में लोगों ने 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के आकार में पेड़ लगाए थे। ये एक प्रयोग था जिसमें दिखाया गया था कि देवदार ऐसे में कैसे विकसित होंगे। असामान्य परिस्थितियों में पेड़ सममित रूप से उत्तर आकार में कैसे बढ़ते हैं। इससे ये साबित हुआ कि पेड़ों के बीच के अंतराल का आकार उनकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। योजना के अनुसार शुरू में लोगों को पेड़ों को काटना पड़ा, लेकिन यह स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो गया। इसकी तस्वीर जल्दी फैल गई पूरे इंटरनेट पर। लोगों ने इसे अछूता छोड़ने का फैसला किया। आप भी इस जंगल की यात्रा कर सकते हैं और सुंदर ड्रोन शॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अपनी जिज्ञासा को शांत किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस इससे भी बेहतर होगी। धन्यवाद।